So my last book video on this channel was about a book called Many Masters, Many Lives, which was actually a story of reincarnation. तो उसी से इंस्पायर होकर ना मैंने सोचा क्यों ना आपको 90s की ऐसी मूवीज याद दिलाऊं जिसमें रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है. हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां पर हम बहुत सारी 90s की बातें करते हैं और 90s के बहुत सारे गाने भी चलाते हैं ऑन माय शो कॉल 90s की कैसेट ऑन गाना म्यूजिक ऐप, और जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपने अभी तक ये शो नहीं सुना है तो. सो 90s में वैसे तो पुनर्जन्म पर बहुत सारी कहानियां बनी थी, उसमें से बहुत सारी मूवीज फ्लॉप भी हो गई थी बट बहुत सारी सुपरहिट भी हुई थी, जिसमें से नंबर वन पर इन माय लिस्ट इज करण अर्जुन. राकेश रोशन की डायरेक्टेड ये फिल्म थी जिसमें राखी और शाहरुख खान एंड सलमान खान एक साथ आए थे, जिसमें राखी जो एक माँ हैं उनके दो बेटे हैं करण और अर्जुन, जो जिनकी की डेथ हो जाती है काफ़ी ब्रूटली, दे आर मर्डर्ड, और उसके बाद वो करण अर्जुन वापस आते हैं. पूरी फिल्म में राखी कहती रहती हैं आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे, जो कि 90s का एक बहुत पॉपुलर डायलॉग भी बन गया था बाय द वे. एंड लेट मी टेल यू 90s के पॉपुलर डायलॉग्स पे आपको इस चैनल पर एक वीडियो मिलेगा और उसका लिंक भी अगेन आई पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव. तुम करण और मैं अर्जुन, हम दोनों का दोबारा जन्म हुआ है. एंड नंबर टू जो पुनर्जन्म की कहानी है वो उतनी ही बड़ी फ्लॉप है जितनी की बड़ी हिट करण अर्जुन थी, और वो कहानी है संजय कपूर की पहली फिल्म प्रेम की. बोनी कपूर की प्रोड्यूस्ड ये फिल्म थी, इसमें तब्बू थी यू नो संजय कपूर के साथ, जिसमें ऑब्वियसली दिखाया गया है कि एक पुनर्जन्म की कहानी है. पहले वो एक दूसरे से प्यार करते थे, उन्हें मिलने नहीं दिया गया, और उसके बाद फाइनली जब वो इस जन्म में मिलते हैं आज के जन्म में, तो पहले संजय कपूर को सब याद आ जाता है लेकिन तब्बू को थोड़ा वक्त लगता है समझने में. लेकिन ये कहानी कहानी अच्छी थी, आई वोंट रियली ब्लेम द स्टोरी एक्चुअली, बट बिकॉज इसका मूवी बनने में 4 साल से ज़्यादा लग गया, बहुत डिले हुआ, एंड दैट्स वाई आई थिंक द मूवी बिकेम अ बिग फ्लॉप. एट नंबर 3 वी हैव अ फिल्म कॉल्ड हमेशा, जिसमें कि काजोल और सैफ अली खान थे, साथ में आदित्य पंचोली. आदित्य पंचोली ने एक विलेन का कैरेक्टर प्ले किया है जो कि प्यार करते हैं काजोल से, और लेकिन उनके जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं सैफ अली खान वो भी काजोल से प्यार करते हैं, और ये पता नहीं होता है आदित्य पंचोली को उस वक्त, और वो किसी वजह से एक्चुअली पहले जन्म में दोनों की डेथ हो जाती है, यानी कि सैफ अली खान की भी और काजोल की भी, लेकिन कुछ सालों बाद दोनों वापस आते हैं. फिल्म में बहुत सारे गाने भी थे जो थोड़े वियर्ड थे लेकिन बहुत हिट हुए थे, जैसे कि नीला दुपट्टा पीला सूट. अब फिल्म तो इतनी नहीं चली लेकिन एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी थी फिल्म में. रानी फिर से कहो, रानी राजा. 90s की रीइंकार्नेशन मूवीज में नंबर 4 पर है हमारी प्रेम शक्ति नाम की फिल्म, जिसमें कि गोविंदा और करिश्मा कपूर थे, और नाग नागिन की कहानी है ये. किस तरह से गोविंदा और करिश्मा जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन घर वाले उनके प्यार को मंजूरी नहीं देते, एंड एक बाबा से मिलते हैं वो किसी तरह से, और जो कि एक तांत्रिक टाइप के बाबा होते हैं, और एक नाग को वो सैक्रिफाइस करने वाले होते हैं एक पूर्णिमा की रात को, जिसको कि ऑफकोर्स जो गोविंदा और करिश्मा है वो बचा लेते हैं, और लेकिन गुस्से में जो बाबा हैं वो दोनों को मार देते हैं, गोविंदा को भी और करिश्मा को भी, लेकिन ये नाग जो है ना वो ये प्रण लेते हैं, या वो ये आप कह सकते हो कि भविष्यवाणी करते हैं कि कुछ जन्म बाद ये दोनों वापस आएंगे और एक दूसरे से इस बार जरूर मिलेंगे. एट नंबर 5 आई एक्चुअली हैव अ रियली फनी रीइंकार्नेशन 90s मूवी जिसका नाम था सूर्यवंशी. अब आप इसको सूर्यवंशम से कंफ्यूज मत करिएगा या आज की सूर्यवंशी से कंफ्यूज मत करिएगा, ये सलमान खान की फिल्म थी जिसमें उनके साथ अमृता सिंह थी. बेसिकली उनका जो लव इंटरेस्ट प्ले किया था वो शीबा ने प्ले किया था, लेकिन सलमान खान एक ऐसे लवर हैं जो शीबा और उनका आपस में बहुत प्यार है, और उनके जो फादर है ना वो पुरानी गुफाओं को डिस्कवर कर रहे होते हैं और वहाँ से खुदाई कर रहे होते हैं, जिस खुदाई में उनको एक ऐसा महल मिलता है जिस महल में जो भी जाता है ना उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है. तो पता चलता है कि वहाँ की जो क्वीन थी वो किसी सूर्यवंशी नाम के राजा से प्यार
करती थी, जिस और उनका किसी भी वजह से मिलन नहीं हो पाया, और उस क्वीन का कैरेक्टर अमृता सिंह ने प्ले किया है। और बहुत सालों बाद यानी कि सलमान खान उस सूर्यवंशी की शक्ल लेकर पैदा हुए हैं, तो यही है फिल्म की स्टोरी। तुम्हारा परिचय? सूर्य अपना परिचय जल कर देता है और सूर्यवंशी अपना परिचय जला कर देता है। फाइनली एट नंबर 6 आई हैव अनदर फ्लॉप रीइनकार्नेशन 90s मूवी, जिसका नाम था बंजारन, जिसमें ऋषि कपूर और श्रीदेवी थे, जो कि इस जन्म में मिलते हैं और दोनों को लगता है कि वो पहले भी कभी मिल चुके हैं। दे फील अ स्ट्रॉन्ग सॉलिड कनेक्शन विद ईच अदर। सो दीज वर माय 6 90s रीइनकार्नेशन मूवीज, और हमेशा की तरह अगर आपको भी कोई याद आ रही है तो प्लीज ऐड देम इन द लिस्ट बिलो, कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड ऑल्सो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, और अगर 90s का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको शेयर करो, लाइक करो, और जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन प्लीज कीप स्माइलिंग।